पहुंचाने वाला पुल है, संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का यानी उस परमात्मा का ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम का जाप कर ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रख, इससे दुर्गा का ज्ञान ब्रह्म तक सीमित है और विष्णु का ज्ञान दुर्गा तक सीमित है। अब दुर्गा आगे क्या बता रही है, वह यह सबका आत्मा यानी परमात्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अपुण्य आत्माओं, श्री ब्रह्मा जी के ज्ञान का पता लग गया, वो विष्णु जी को जगत गुरु बतावे, सारे ब्रह्मांडा का मालिक बतावे, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी बतावे, और व्यास जी नारद तो पूछ ही रहे हैं, नारद और व्यास का ज्ञान आपके समक्ष है, वो भी कह रहा है कि मैंने अपने पिताजी से सुना था। अब विष्णु जी के ज्ञान का पता लग गया और देवी के ज्ञान का भी आपको पता लग गया, वो ब्रह्म से ऊपर नहीं जानती, ओम उसका आखिरी मंत्र है और ब्रह्म उसका अंतिम इष्ट बताया गया है। अब आपको एक झलक दिखाते हैं और ब्रह्म क्या बताता है, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये प्रेत की तरह प्रवेश कर जाता, जैसे कल आपको विष्णु पुराण में दिखाया था कि ये काल क्या करता है, ब्रह्म कैसे लीला करता है, सबके समक्ष नहीं आता, इसके कर्म दिव्य कैसे हैं और जन्म दिव्य कैसे हैं, ये दूसरे के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके और जो भी उवा बाई कहनी है वो कह जाता है और जो भी जुल्म करवाना वो करवा देता है। इसने कहा कि जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया, राक्षसों से देवता हार गए, फिर देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करी, विष्णु रूप में ये ब्रह्म पहुंच गया और इसने कहा कि मैं उस पुरंजय के शरीर में प्रवेश होकर राक्षसों ने मार दूंगा, तुम पुरंजय को युद्ध के लिए तैयार कर लो। फिर एक बार नागों का और गंधर्वों का युद्ध हो गया, गंधर्वों ने नागों के सब कीमती सब वस्तुएं लूट ली, तब नाग ये प्राणी नहीं, सर्प नहीं, एक गोत्र है नाग, उनका ग्रुप है नागों का यानी मनुष्य है वो, तो उन नागों ने भगवान विष्णु की स्तुति की, युकाल विष्णु रूप में पहुंच गया और उनसे कहा कि तुम प्रकुत्स को युद्ध के लिए तैयार करो, मैं उसमें प्रवेश करके और गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ये ऐसे जुल्म करता है, ऐसे गुप्त कार्य करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ श्री त्याग कर जाता हुआ सुमन करता हुआ श्री त्याग कर जाता है, सह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से क्या मिलता है, ब्रह्म लोक में चला जाएगा जहां ये काल रहता है ब्रह्म लोक में। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावृत्ति में है, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, स्थिर नहीं है, वहां जाने के बाद वापस आना है तो ये मुक्ति अच्छी नहीं है। इसलिए सातवें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि अर्जुन ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरी अनुतम साधना में लीन है, घटिया साधना में। इसलिए इसने कहा कि चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के गीता जी के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, अर्थात
ब्रह्म को प्राप्त प्राणी भी जन्म मृत्यु से सदा के लिए मुक्त नहीं हो सकता, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, पूर्ण उसका दुख दूर नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में बताया है कि जिस तत्वदर्शी संत के पास जाने को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, उसकी पहचान बताते हुए कहा कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी जैसे जड़ तो आदि पुरुष प्रमुख सर्वब्रह्म है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये तो बता दी गीता ज्ञानदाता ने। कहते और बीच के सभी पार्ट्स को जो संत बता दे स वेदवित वह तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला। उसके पश्चात चौथे श्लोक में कहा कि 15वें अध्याय के में गीता जी में कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर पुनः पृथ्वी पर नहीं आता, जन्म नहीं लेता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा और उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पाणी का कौन सा मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाणी का, परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, पूर्ण मोक्ष कराने का यह तीन मंत्र का जाप है। ओम तत् सत, ओम तो सीधा है, तत् और सत ये गुप्त हैं, सांकेतिक वर्ण हैं, ये शब्द हैं, इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में कोई नहीं बता पाएगा आपको। और इस दास से सुनकर भेद लेकर कोई नकली झूठा कपटी ये आगे किसी को नाम बताता है वो अपना जन्म व्यर्थ कर रहा है, क्योंकि वो अधिकारी ना होने से परमात्मा का द्रोही है और जो उससे उपदेश प्राप्त करेंगे उनका भी वो जीवन नाशक है। तो इस तीन मंत्र के नाम के जाप तय सचिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति होगी और पूर्ण मोक्ष होगा। इसके से स्पष्ट हो गया ना नारद जी को ज्ञान कंप्लीट नॉलेज, ना व्यास जी को हु इज द राइटर ऑफ पुराण्स वेदाज गीता जी, यानी ये सब का राइटर होते हुए भी इसने खुद ज्ञान नहीं, क्योंकि ये राइटर कैसे बनते हैं, काल के हाथ में रिमोट है, इसकी दिव्य दृष्टि खोल दी पीछे घटी हुई घटनाओं को, जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले हुई रामायण की घटनाओं को अपनी सिंपल लैंग्वेज में चौपाइयों में पुनर्लिख दिया तो उसकी वो दिव्य दृष्टि खुल गई। तो ऐसे वो पिछली घटनाएं हमारे सबके अंतःकरण में फीड होती हैं, जैसे इंटरनेट पर कोई हमने मैटर छोड़ दिया है तो सबके टेलीविजनों में आ जाएगा, वो जिसका वर्किंग में है वो ऑन हो जाएगा, जिसका वर्किंग में ठीक नहीं है, है उपलब्ध उसमें लेकिन वो देख नहीं पा रहा, वो अलग बात है। तो ऐसे ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इससे जो परिचित हो जाएगा उसका मोक्ष होता है। अब ना व्यास जी को ज्ञान, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता नहीं जानता मेरी जानकारी में, यानी मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में। और इसको जगत गुरु बताओ, कृष्ण जी को चाहे विष्णु जी, सटदन उवा बाई बकदा, ये उवा बाई बकते हैं ये आध्यात्मिक ज्ञान ना होने से। और दुर्गा जी कहती है कि ब्रह्म से ऊपर कोई भगवान नहीं, ब्रह्म की पूजा करो, ओम उसका नाम है और ब्रह्म लोक में चले जाओगे जहां वो रहता है। और ब्रह्म कहता है कि नहीं, उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्व ब्रह्म की जानकारी दी है कि जो व्यक्ति मेरे ज्ञान पर आधारित हो जाता है, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, फिर वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने बुढ़ापा। वो व्यक्ति जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ इस संसार की किसी वस्तु की मांग नहीं करते, इच्छा नहीं रखते, वो उस ब्रह्म को जानते हैं, तत्ब्रह्म को, और सारे अध्यात्म ज्ञान को समझ चुके हैं और सब कर्मों से परिचित हो चुके हैं। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। फिर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से कोई और शक्ति है।
परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, जैसे सर्वपुरुष को सर्वब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष को अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं और परम अक्षर पुरुष को परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इन तीनों प्रभुओं की जानकारी है। सर्वपुरुष कहो चाहे सर्वब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, जैसे दुर्गा कह रही है हिमालय को ज्ञान देते समय सातवें स्कंद में कि उस अक्षर ब्रह्म है, उसको कभी उसको ब्रह्म कह रही है कभी अक्षर ब्रह्म कह रही है, ये ज्ञान नहीं इसको बिल्कुल भी। जबकि हमारे सद्ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता ये प्रमाणित शास्त्र है, वेदों का सारांश है और वेद और ये गीता जी, जितना वेदों से गीता जी में ज्ञान मिलता है वो सही है। बाकी कुछ इस काल ने अटकल लगाई है अपना युद्ध कराने के लिए, वो इसकी अपनी इसका अपना मत है, वो स्वयं भी कहता है कि ये तो मेरा मत है और बाकी वेदों का ज्ञान है। तो हमने उस जो वेदों के ज्ञान से, वेद और गीता जी में वेद ज्ञान जितना है ये बिल्कुल सत्य है, और सूक्ष्म वेद के अंदर इन वेदों और गीता जी और पुराणों से भी अलग एक विशेष विस्तृत जानकारी है जिसको सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कही है। गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है बस जाप करने का और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, ये हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे। गीता पढ़े वेद पढ़े पर भेद ना जाने, अरे बांचे पुराण 18 गीता जी को सिरोधार्य बताते हैं और गीता जी के विरुद्ध नाम जाप करते हैं। गीता जी में कहीं भी प्रमाण नहीं है कि वेद हरे कृष्ण या राधे श्याम का जाप कर लो, हरे राम हरे कृष्ण कर लो, तो ये भ्रमित प्राणी हैं, उवा बाई बकते हैं, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को भी बर्बाद कर रहे हैं। अब यहाँ गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमर, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा है कि मेरी भक्ति कर युद्ध भी कर तो मुझे प्राप्त होगा, ब्रह्म लोक में आ जाएगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में हैं, ये पूर्ण मुक्त नहीं होते। 8वें अध्याय के 8 और 9-10 श्लोक में तीनों में बहुत अच्छे ढंग से इस गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, भक्ति की साधना से उसको प्राप्त होता है। मेरी साधना करता ओम नाम के जाप से मुझे प्राप्त होता है, और सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, परम अक्षर ब्रह्म की जो वाणी है, परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जो जानकारी है वो परमेश्वर के ही ज्ञान में, उनके मुखारविंद से उच्चारित ज्ञान में है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि वो ओम तत् सत इस तीन मंत्र के जाप का, उस सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का निर्देश है और कोई मंत्र नहीं। तो ओम ब्रह्म का सर्वब्रह्म को जैसे ब्रह्म बोलो, सर्वब्रह्म का सर्वपुरुष का, और तत् सांकेतिक का ये अक्षर ब्रह्म को जैसे अक्षर पुरुष कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभु हैं, सर्वब्रह्म सर्वपुरुष अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो। और फिर बताया कि इन सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष इन दोनों के लोकों में जितने भी प्राणी हैं और ये स्वयं, ये नाशवान हैं, जीवात्मा सभी की अविनाशी होती है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते, ये लोक तरमाविश्य विवृति अवैश्वर है। फिर कहा कि इन दोनों से 16वें श्लोक में जो सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, सर्वब्रह्म और अक्षर ब्रह्म जिनके बारे में कहा गया है, इनसे अन्य है वो परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है जड़ है वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, और उसके पाने का मंत्र ओम तत् सत तीन मंत्र का है। तत् और सत ये सांकेतिक है, ओम तत् सत ये मंत्र नहीं है, और उसके पाने का ये मंत्र है। उसकी साधना करने से उसके पास चले जाओगे, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता, उसकी पूर्ण मोक्ष हो जाता है और सब पूजाएं त्याग दे। गीता ज्ञानदाता भी कहता केवल उसी की पूजा करो जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। अब आपको दिखाते हैं, ये तो होगा क्लियर कंसेप्ट,
कि ना ब्रह्मा जी ने गया ना विष्णु जी ने, शिव जी ने तो ना कहा, ये तो वैसे ही इनसे बहुत